दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। राज्य सरकार ग्राम पंचायतों की लंबित चली आ रही मांगों को 17 अप्रैल तक पूरा नहीं करने को लेकर राजस्थान के सरपंच संघ ब्लॉक धरियावद ने सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार एवं रमेश चंद्र मीणा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के नाम सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश चंद्र मीणा के नेतृत्व में समस्त सरपंच एवं सरपंच प्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत चित्तौड़िया के सरपंच राजकुमार मीणा ने बताया कि गांव के विकास की कड़ी ग्राम पंचायत के अधिकारों ने लगातार कटौती की जा रही है, जिसको लेकर सरपंचों में रोष है। बताया कि केंद्रीय वित्त आयोग की राशि 15 करोड़ बकाया है, जिसको जमा करवाई जाए। राज्य वित्त आयोग की दोनों किस्त करीब 3000 करोड़ रुपये बकाया है, जिसको ग्राम पंचायतों के खातों में हस्तांतरित किया जाए। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों की हाजिरी को पूर्व की तरह किया जाए, साथ ही भुगतान समय पर किया जाए। खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक उसको पूर्ण नहीं किया गया है, जिसको जल्द पूर्ण किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र परिवारों को जोड़ा जाए। सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 किया जाए। बताया कि उपरोक्त मांगों को 17 अप्रैल तक समाधान नहीं किया गया तो सरपंच प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। राजस्थान प्रदेश समस्त सरपंच संघ एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। सरपंच संघ एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। आज हम मुख्यमंत्री महोदय को SDM महोदय के मार्फत ज्ञापन देने आए हैं कि पिछले कई महीनों से राजस्थान प्रदेश संघ सरपंच सभी फंड राशि के लिए परेशान हो रहे हैं। पंचायतों में कोई भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे हम समय पर व्यवस्थित गांव के पंचायत के जो विकास कार्य है वो करवा नहीं पा रहे हैं। केंद्रीय वित्त आयोग का 1500 करोड़ लगभग हमारी पंचायतों में बकाया है। हमारा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वो पैसा जल्द डाले। और राज्य सरकार वित्त आयोग का 2022-23 का पैसा, वो भी लगभग 3000 करोड़, वो बकाया है। अगर इतना पैसा अगर बाकी है तो फिर हम पंचायतों में विकास कैसे करवाए। हमारा महोदय से निवेदन है कि ये राशि जल्द से जल्द जमा कराए। और नरेगा के जो काम हैं वो 15 दिनों में सेंक्शन नहीं होते हैं, और जो नियम बना हुआ है उसके अनुरूप 15 दिन में फंड राशि नहीं आती है। तो ये मांगे जितनी हैं इनको पूरी करें। और जो आवास जो हैं वो भी अभी नए जुड़ नहीं रहे हैं, ये बैंड भी सरकार खोले। और सबसे बड़ी मांग 10,000 लगभग कूपन बने हैं, जो 10 लाख जो कूपन हैं वो कूपन बना रखे हैं, उनका गेहूं चालू नहीं करा गवर्नमेंट ने। कई लोग परेशान हो रहे हैं। तो सरकार ये जितनी भी मांगे हैं जल्द से जल्द हमारा पूर्ण करे। अगर ये मांगे पूर्ण नहीं करती है तो हम आने वाले समय में 18-19 तारीख को सांसद महोदय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। और भी अगर हमारी ये मांगों को अनदेखी करती है तो हम आगामी जो 24 तारीख को जो कैंप लग रहे हैं विकास कार्यों का, उन पूरे कार्यों को, विकास कार्यों के जो कैंप है महंगाई को लेकर, तो उन सारे कार्यों का पूर्ण सरपंच संघ राजस्थान पूरा बहिष्कार करेगा। सरपंच एकता जिंदाबाद।